हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सभी इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.10 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.10 का क्वेश्चन दिया गया है, राइट वन वर्ड प्रॉब्लम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग में से प्रत्येक को जो है एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन लिखिए। ध्यान से देखिए, हमने फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर रखा है 215 मल्टीप्लाई बाई 43। यहाँ पे देखिए, हमें एक मल्टीप्लाई दिया हुआ है। अब इस मल्टीप्लाई से हमें एक ऐसा क्वेश्चन बनाना है जो क्वेश्चन किस वर्ड प्रॉब्लम का हो और किससे रिलेटिव हो, मल्टीप्लाई से रिलेटिव हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई दिए गए, इससे रिलेटिव हमें जो नंबर दिए गए इसी को जो शामिल करके क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन बना देना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम बना देते हैं, देयर आर 215 मैंगोज इन ए बास्केट, इन ए बास्केट देयर आर 215 मैंगोज इन ए बास्केट, हाउ मेनी मैंगोज आर देयर, हाउ मेनी मैंगोज आर देयर इन 43 बास्केट। क्लियर है, ध्यान से देखिए, देयर आर 215 मैंगोज इन ए बास्केट, एक बास्केट में 215 मैंगोज है। यहाँ पे देखिए दिया है हाउ मेनी मैंगोज, हमने छोड़ दिया क्या, हाउ मेनी मैंगोज, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इसको फिर से कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं हाउ मेनी मैंगोज आर देयर इन 43 बास्केट्स, 43 बास्केट में कितने मैंगोज होंगे। अब बताइए, एक वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन हमारा बन गया। इसी में अगर हम और भी ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, इफ ईच बास्केट हैज द सेम नंबर ऑफ मैंगोज। यहीं पे हम और भी ऐड कर सकते हैं कि इफ ईच बास्केट हैज द सेम नंबर ऑफ मैंगोज, इस प्रत्येक बास्केट में मैंगोज की संख्या क्या हो, सेम हो। अब बताइए, समझ में आ गया, आप इतने कर देते तब भी आपका राइट है। तो ऐसे क्या करना है, आपको वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन बना लेने हैं। तो आप इस सारे 4.10 के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, 3 ही सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करने की जरूरत है, मैक्सिमम 3 कर लीजिएगा बस।